नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इस टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर आर लाइंग कॉन्सेंट्रिकली विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर करंट फ्लोइंग इन दैम आर आई एंड टू आई रेस्पेक्टिवली सवाल यह है द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर विल भी हमें मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताना है कितना होएगा और चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं बहुत सिंपल सवाल है सिनेरियो ये है कि ये आपकी एक सर्कुलर uh, कॉयल है और ये आपकी दूसरी सर्कुलर कॉयल है एक में करंट की वैल्यू आई है दूसरे में करंट की वैल्यू टू आई है हमें ये बताना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होएगा? देखो सिनेरियो कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए ये आपकी एक कॉयल है ये एक सर्कुलर कॉयल है और इसके अंदर कॉन्सेंट्रेट कॉयल ये दूसरी कोयल ऐसे रखी हुई है नाउ ये जो कॉयल जो हॉरिजोनटल प्लेन में है उसकी वजह से अगर मान लीजिए सर इसके डायरेक्शन हम इस तरह मानते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ हो जाएगी दूसरे में अगर हम ऐसे माने तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी अगेन हमें डायरेक्शन नहीं बताना है सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है सो इट डजेंट मैटर इसकी डायरेक्शन इधर है या इधर है इट जस्ट दैट कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी सो so, यहाँ पर हमें पता है कि कोई भी सर्कुलर कॉयल है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को हम जो लिखते हैं सो so, आपका मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सर्कुलर पर लिखते हैं म्यूनॉट आई डिवाइडेड बाई टू आर ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है यहाँ पे जो दो मैग्नेटिक फील्ड हैं आपका जो बी नेट आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर बिकॉज दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे यहाँ पे बस हमें वैल्यू रखे आंसर मिल जाएगा सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ये आ जाएगा म्यूनोट आई डिवाइडेड बाय टू आर का स्क्वायर प्लस म्यूनोट टू आई डिवाइडेड बाय टू आर का स्क्वायर अगर इसमें से म्यूनोट टू आर अगर हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा म्यूनोट टू आर तो बाहर आ गया अंदर बचा अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर प्लस टू आई का स्क्वायर यानी कि फोर आई का स्क्वायर ये बन जाएगा अंडर रूट फाइव फाइव आई बन जाएगा सो फाइनल आंसर जो आपका आ जाएगा बीनेट uh, उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट फाइव आई अंडर रूट फाइव म्यू नॉट आई कैपिटल आई दिया हुआ है अपने को डिवाइडेड बाय टू आर राइट सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं अपना ऑप्शन नंबर ए अंडर रूट फाइव म्यू नॉट आई बाय टू आर वुड बी द राइट आंसर